और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में सीमेंट फैक्ट्री का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। को सरल और डिजिटल बनाकर उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे ये निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर आकर सबसे प्रगतिशील राज्यों में उभरा है, जो हाल ही में हुए यूबी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की भूमि में ही जन्मा एक विख्यात औद्योगिक समूह है जेके सीमेंट, जो विकास और औद्योगिकीकरण के सफर में हमेशा तत्पर रहा है। जेके सीमेंट लिमिटेड भारत की प्रमुख बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, जो ग्रे सीमेंट में भारत के अग्रणी और विश्व के शीर्ष व्हाइट सीमेंट निर्माताओं में से एक है। 5 दशकों से कंपनी ने उत्पाद उत्कृष्टता, ग्राहक सेवा और तकनीकी नेतृत्व के बल पर भारत के बहु क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में साझेदारी की है। कंपनी की ग्रे सीमेंट की स्थापित क्षमता 24 मिलियन टन पर एनम, जो इसे देश के शीर्ष सीमेंट निर्माताओं में शामिल करती है। इसका व्यापार भारत के 15 राज्यों में फैला है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1.48 MTPA व्हाइट सीमेंट और 1.33 MTPA वॉल पुट्टी क्षमता के साथ जेके व्हाइट सीमेंट 36 देशों में बिकता है और 2 अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों के साथ इसका मजबूत वैश्विक प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में जेके सीमेंट की 3 सीमेंट उत्पादन इकाइयां हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 6 MTPA है। फरवरी 2020 में 2 MTPA की क्षमता के साथ अलीगढ़ में पहली निर्माण इकाई की स्थापना हुई, वहीं नवंबर 2022 में 2 MTPA की क्षमता के साथ दूसरी इकाई की स्थापना हमीरपुर बुंदेलखंड में की गई। अब 2 MTPA की क्षमता वाली तीसरी इकाई की स्थापना पूर्वांचल के प्रयागराज में जून 2024 में की गई है। इन तीनों निर्माण इकाइयों के जरिए जेके सीमेंट ने उत्तर प्रदेश में लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है और साथ ही प्रदेश की जनता के लिए सैकड़ों रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। सीमेंट के व्यवसाय के अलावा जेके सीमेंट CSR के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसी दिशा में कानपुर में 60 करोड़ रुपए के निवेश से IIT कानपुर के साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है, जो हमारे पूर्व चेयरमैन और MD श्री यदुपति सिंघानिया जी की याद में समर्पित है। जेके सीमेंट ने उत्तर प्रदेश में यदुपति सिंघानिया सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की है, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सेंटर औद्योगिक कर्मचारियों और सुपरवाइजरों को सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। जेके सीमेंट ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। उन्होंने बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर धरती को हरा भरा बनाने में अहम योगदान दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और देश भर में अनेक CSR गतिविधियों के माध्यम से समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। जेके सीमेंट हमेशा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए अपना योगदान देता रहेगा और इस दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी नीतियों और सहयोग ने हमारे प्रयासों को और मजबूत किया है। जेके सीमेंट राज्य के विकास और समृद्धि के इस सफर में हमेशा अग्रणी रहेगा। भैया के औद्योगिक विकास के अभियान के क्रम में
पवित्र संगम नगरी प्रयागराज में जेके सीमेंट के द्वारा स्थापित इस नए सीमेंट संयंत्र के लोकार्पण कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल सागर जी, वाइस चेयरमैन जेके सीमेंट डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राघवपत सिंघानिया जी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण शर्मा जी, प्रयागराज में उपस्थित माननीय विधायक श्री वाचस्पति जी, विनोद प्रजापति जी, अनुज खंडेलवाल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में प्रयागराज में इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जेके सीमेंट के नए प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को, जेके सीमेंट प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का अवसर है कि उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः अपना विश्वास की जड़ों को इस निवेश के माध्यम से गहरा करके करते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार यह उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कतिपय कारणों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनका विश्वास कम होकर के या अन्यत्र जाने की ओर अग्रसर थे और ये चीजें हम सब महसूस करते थे कि कभी सिंघानिया परिवार कानपुर की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने निवेश को समेटना प्रारंभ किया था। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत पहले 3 वर्ष इन्हें समझने में लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जो कह रही है क्या उसके अनुरूप गवर्नमेंट का आचरण भी है और कथनी और करनी दोनों में समन्वय है या नहीं है, क्योंकि हमने उस समय इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, बेईमानी और भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। 2020 में अलीगढ़ में, 2022 में हमीरपुर में और 2024 में प्रयागराज में। मैं समूह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।
क्योंकि निवेश हमारे लिए केवल निवेश मात्र नहीं है, यह निवेश यूपी के सपनों को एक नया पंख दे रहा है। यह निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी का एक समूह जो कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान थी लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से प्लान करने की स्थिति में था, वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी तीन अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इस जिससे यह उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की हमारी जो नीति है उसको एक नई उड़ान के लिए पंख देने के समान है। हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमारी नीतियां आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती हैं, हमारा तंत्र रखता है, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा निवेश हमारे लिए अनुकूल और लाभदायी हो पाएगा। और वह इस दिशा में हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जीके सीमेंट और सिंघानिया परिवार फिर से यूपी के अंदर इस निवेश के साथ जुड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो एक लंबी दूरी तय की है निवेश के लिए, निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या थी, हम 12वें स्थान पर थे, उससे एक वर्ष पहले यह 14वें स्थान पर था। और मुझे बताइए जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर हो, आबादी में नंबर एक पर हो और व्यापार की सुगमता के लिए किए जाने वाले प्रयास में हमारा स्थान 12वें और 14वें स्थान पर होगा तो दुनिया का कोई भी निवेशक आपके पास नहीं आएगा। कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी, हर तीसरे दिन दंगा होता था,